लखीमपुर जाते समय जब कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को यहां सीतापुर पुलिस ने हिरासत में लिया, उस समय हरियाणा के पार्टी के विधायक कुलदीप जी साथ में थे। पूरा क्या वाकया हुआ था ज़रा सा बताइए, आपके साथ पुलिस ने कैसा बर्ताव किया ये भी ज़रा सा बताइए। देखिए, जिस प्रकार से आज पूरे देश के किसान को मारने का काम किया आदरणीय हमारी दीदी प्रियंका गांधी जी, हमारे कांग्रेस के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी और हम सारे किसान भाइयों के दुख में शरीक होने के लिए जा रहे थे। जिस प्रकार से पुलिस ने प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की की, नीचे गिरा दिया, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ धक्का मुक्की की, जो बदतमीजी जितना गुंडा राज यूपी पुलिस ने किया आज तक हमने ऐसा गुंडा राज कहीं नहीं देखा। और किसान की, मजदूर की, आम आदमी की आवाज़ को तो दबाया जा रहा था, पर आज जो जनता की कोई आवाज़ बनना चाहता है उसकी आवाज़ को भी दबाया गया। और इतना बड़ा अत्याचार एक लेडीज़ के, चलो प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेत्री हैं वो एक छोड़ दीजिए, एक लेडीज़ के सम्मान की बात करते हैं मोदी जी और योगी जी, आज ये लेडीज़ का सम्मान था जो रात पर रोडों पर किस प्रकार से घसीट के एक नेता, एक लेडीज़ का, मैं तो लेडी कहूँगा, जिसका अपमान हमारी नेता का इन्होंने किया और किसान को मारने का काम इन्होंने किया, वो बहुत निंदनीय है। और इससे इतना बड़ा अपराध आज इन्होंने किया है तो इसके हम कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से किसान भाइयों के साथ खड़ी है। हमारी आवाज़ को, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को, किसान की आवाज़ है, किसान के साथ खड़े, हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। 5 घंटे तक करीब प्रियंका गांधी बिना सुरक्षा के भटकती रहीं सीतापुर की सड़कों पर, क्या नज़ारा था जब उन्हें सीतापुर पुलिस ने हिरासत में लिया और आपके साथ भी, आपके कुर्ते को फाड़ा गया है, आपके साथ भी यहाँ की पुलिस ने, जैसा आप बता रहे थे, बर्ताव अच्छा नहीं किया। देखिए, पहली बात तो प्रियंका जी की सिक्योरिटी का था, कोई सिक्योरिटी इन्होंने आने नहीं दी। प्रियंका जी अकेली गाड़ी में, साथ में दीपेंद्र जी, एक गाड़ी हमारी, जो पूरे 6 घंटे 7 घंटे तक रोड के ऊपर घूमते रही। और जिस प्रकार से पुलिस ने जो हरकतें की हैं हम मीडिया के सामने बताते हैं, शर्म आती है। इतना गंदा व्यवहार आज तक हमने किसी पुलिस का नहीं देखा, जो यूपी पुलिस का वास्तव में आज जो गुंडा राज यहाँ चला रखा है, इससे आज ये साबित हो गया कि आम जनता यहाँ सुरक्षित नहीं है। और ऐसे निकम्मी गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ यहाँ राष्ट्रीय शासन लागू करना चाहिए जल्द, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो नेता ने, जिसने इस जंगन अपराध किसान भाइयों के साथ किया। ये बहुत बड़ा अपराध है और ये आज ये कोई राजनीति करने का वक्त नहीं है। हमारी नेता उसके दुख में शरीक होने के लिए जा रही थी, कोई वहाँ कोई बड़ा अपराध करने के लिए नहीं, पर ये किसी के दुख में भी नहीं जाने देते, मारते भी हैं और फिर छीना जोरी भी ये करते हैं। तो ये बड़ा एक दर्द है, दिल में दर्द है, आज एक इतनी बड़ी घटना होने के बाद जो जिस प्रकार से लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं, ये दिल में दर्द है, आत्मा रो रही है इस बात की। जी बिल्कुल, विधायक जी एक आखिरी बात कि जिस समय प्रियंका गांधी जी को हिरासत में लिया गया उस दौरान का दृश्य क्या था, क्या महिला पुलिस कांस्टेबल थे या नहीं थे, या उन्हें कैसे लाया गया, पुलिस ने कैसे पकड़ा? महिला कांस्टेबल थी, वो तो बहुत दूर थी, ये जो सीओ थे 3-4 और भी थे वहाँ पे, पुलिस के ये लोग थे, लेडी पुलिस तो नहीं थी, एक लेडी पुलिस थी उसकी तो वो तो बदतमीजी इतनी थी, लेडीज होते हुए भी वो तो इंसान के नाम पे धब्बा थी, जिस प्रकार से वो बदतमीजी हो रही थी तो वो जाके पीछे खड़ी हो जाती है। और उनके सीओ जो थे, जो जेंट्स पुलिस थी, वो प्रियंका जी के साथ बदतमीजी कर रही थी, इतनी गंदी लैंग्वेज जो कर रही थी, ये कोई समाज के लिए अच्छी बात है। तो यूपी से क्या संदेशा लेके जाएंगे अपने प्रांत? देखिए, हरियाणा की जनता यूपी के, देश के और किसानों के साथ खड़ी है। आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम पूरा हरियाणा का किसान भी और हरियाणा के नेता भी, जब तक यूपी की इन किसानों को न्याय नहीं मिलता हम पीछे नहीं हटेंगे। तो हरियाणा भी साथ में आ गया है जैसा विधायक जी कह रहे हैं कांग्रेस के, इन्होंने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी के साथ सीतापुर पुलिस ने बर्ताव किया है और इसको वो हरियाणा में भी रखेंगे इस बात को। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ में थे जब उनको हिरासत में लिया गया और उन्होंने खास बातचीत करते हुए साफ तौर पर बताया कि क्या ज्यादती सीतापुर पुलिस ने की।